असलम एवर वन दिस इज गाइटन चैप्टर नंबर एट विच इज एक्साइटेशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ स्मूद मसल्स पिछला चैप्टर था स्केलेटल मसल्स पे और उसमें हमने सारा स्केलेटल मसल का पढ़ा था उसका स्ट्रक्चर कैसा है वो किस तरह कॉन्ट्रैक्ट करते हैं क्या मैकेजम ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है और ये वाला चैप्टर है स्मूद मसल्स पे ओके स्टार्टिंग विद द टाइप्स ऑफ स्मूद मसल्स मेरे पास देर आर टू टाइप्स ऑफ स्मूथ मसल्स वन इज़ मल्टी यूनिट स्मूथ मसल्स एंड अदर वन इज यूनिटरी स्मूथ मसल्स अगर इन दोनों के नाम पर गौर करें तो दोनों में लफ्ज़ यूनिट आ रहा है दिस इज यूनिटरी एंड दैट इज मल्टी यूनिट अच्छा यूनिटरी को यूनिटरी इसलिए कहते हैं कि उसमें तमाम जो मसल्स हैं वो कलेक्टिवली मसल फाइबर्स हैं वो कलेक्टिवली एज अ सिंगल यूनिट काम करते हैं जबकि मल्टी यूनिट में जो तमाम मसल फाइबर्स हैं वो या मसल सेल्स हैं वो अलग अलग काम करते हैं काम करने से मत अलग अलग कॉन्टैक्ट करते हैं अब इनकी शेप देखें और और इनकी आपस में अलाइनमेंट देखें और इनकी शेप देखें और इनकी अलाइनमेंट देखें तो यहीं से आइडिया हो जाता है कि विच वन इज़ यूनिटरी एंड विच वन इज़ मल्टी यूनिट ठीक है अच्छा अब यूनिटरी ने इकट्ठे चूके काम करना होता है यानी कि ए तो फिर उनकी नर्व सप्लाई भी सेम ही है और उन मुख्तलिफ यूनिटरी स्मूथ मसल फाइबर्स के बीच में इंटरकनेक्शंस भी होने चाहिए ताकि अगर एक फॉर एक्सम्स ये मुख्तलिफ कलर्स में मैंने बनाए हैं मसल फाइबर्स ऑफ यूनिटरी स्मूथ मसल अब अगर एक के अंदर कोई एक्शन like पोटेंशियल की चेंज आएगी तो वो यहीं से ट्रेवल करके दूसरे के अंदर चली जाएगी दूसरे से तीसरे के अंदर चली जाएगी तीसरे से चौथे के अंदर चली जाएगी और ये तमाम एज अ सिंगल यूनिट कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे ठीक है जबकि मल्टी यूनिट में क्या होगा तो ये सारे सेपरेट फाइबर्स, ये देखो ये सारे सेपरेट हैं ठीक है तो इन सारों की नर्व सप्लाई भी सेपरेट होगी ठीक है और जब नर्व सप्लाई सेपरेट होगी सिंगल फाइबर अलग अलग नर्व सप्लाई के आने जाके इनरवेट करेगा तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट भी सेपरेटली करेंगे ठीक है अब किस जगह पर यू? किन ऑर्गन से बेसिकली स्मूथ मसल्स होते हैं हमारे ऑर्गन में ठीक है अब यूनिट्री स्मूथ मसल्स कहां पे होते हैं द एग्जाम्पल इज जी आई ट्रैक अब जी आई ट्रैक में क्या है कि जब आप खाना खाते हैं और जी ट्रैक में जाता है तो जी आई ट्रैक ने उस खाने को हजम करने के लिए कॉन्ट्रैक्शन होनी है रिलैक्सेशन होनी है खाने को आगे प्रोपेल करना है तो उसके लिए सारे मसल्स को कलेक्टिवली एज अ यूनिट ही कंट्रैक्ट करना पड़ेगा खाने को डाइजेस्ट करने के लिए या आगे प्रोपेल करने के लिए तो तमाम मसल्स को एज अ वन यूनिट और एज अंसिटियम काम करना पड़ेगा ठीक है तो इसलिए यूनिटरी स्मूथ मसल्स को सिंसिटियल स्मूथ मसल्स भी कहते हैं और विजरल स्मूथ मसल भी कहते हैं क्योंकि बेसिकली बेसिकलीजराज में ये वाले होते हैं कौन से कौन से विजराज जी आई ट्रैक गैस्ट्रो इंटस्टाइनल ट्रैक ब्लैड बाइल डक्ट यूरेटर यूट्रस ब्लड वेसल्स सारों में यूनिटरी स्मूथ मसल होते हैं जो ब्लड वेसल्स बनी हुई हैं उनके तमाम स्मूथ मसल्स दे एक्ट एज अ सिंगल यूनिट उसी तरह जी आई ट्रैक उसी तरह ब्लैडर के जहां पर यूनिट स्टोर होती है उसी तरह बाइल डक्ट के देन यूराइट एंड यूट्रस, ओके तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं यूनिटरी स्मूथ मसल की अच्छा मल्टी यूनिट स्मूथ मसल कहाँ पे होते हैं मल्टी यूनिट स्मूथ मसल वहाँ पे होने चाहिए जहाँ पे हमें बहुत प्र, प्रिस, या तो बहुत स्मॉल मसल्स हों और उनकी बहुत प्रिसाइज किस्म का एक्शन चाहिए हो जैसे कि सिलरी मसल्स ऑफ आई अब सिलरी मसल्स ऑफ आई ने काम करना है तो बहुत ही प्रिसाइज काम करने की जरूरत है सो दैट्स वहां पे मल्टी यूनिट होते हैं और सारे की जो नर्व uh, फाइबर है वो सेपरेट है एंड देन वी हैव अदर एग्जाम्पल आयरस ऑफ आई एंड देन वी पायलो इरेक्टर पायलो इरेक्टर मसल्स होते हैं जो कि हेयर्स के नीचे होते हैं ठीक है तो सिलरी मसल ऑफ आई आयरिस मसल ऑफ आई एंड पायलो इरेक्टर मसल ये तीन एग्जाम्पल्स हैं मल्टी यूनिट की और जबकि यूनिटरी की ये सारी हमारे विजरल ऑर्गन हैं, ठीक है थीके? तो अगर हम इनके पॉइंट्स डिस्कस करें तो मल्टी यूनिट में अगर डिफरेंस आ जाता है सवाल तो हमने तीन पॉइंट्स चार पॉइंट्स लिखने नंबर वन इसके मल्टी यूनिट है डिस्क्रीट सेपरेट मसल फाइबर्स बल्कि यूनिटरी के मसल फाइबर्स आर कनेक्टेड बाय गैप जंक्शन इनके बीच में गैप जंक्शन होते हैं सारे कोनेक्टेड हैं और इसमें सारे सेपरेट सेपरेट हैं ठीक है थीके? अब फिर मल्टी यूनिट में ईच फाइबर कैन कॉन्ट्रैक्ट इंडिपेंडेंटली ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो क्वाइट पॉसिबल ये ना कर रहा हो ठीक है मगर इसमें फाइबर्स को थर्ड पॉइंट है मल्टी यूनिट रिस्पॉन्ड टू नर्वस स्टेमुलाई बेसिकली ठीक है जबकि यूनिट्री मसल देर मेनली रिस्पॉन्ड टू नॉन नर्वस स्टेमुलाई अब नॉन नर्वस स्टेमुलाई क्या होता है मिसाल के तौर पर स्ट्रेच इज अ नॉन नर्वस स्टेमुलाई आपने खाना खाया और स्टोमिक स्ट्रेच हो गया या वो फूड इंटेस्टाइन के अंदर चला गया और इंटेस्टाइन स्ट्रेच हुई अब स्ट्रेच होने की वजह से जो इंटेस्टाइनल वॉल के यूनिट्री स्मूद मसल्स हैं उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट करना ठीक है थीके? तो ये जो स्ट्रेच है ये दिस इज अ स्टेबलाई फॉर यूनिटरी स्मूद मसल्स ठीक है जबकि मल्टी यूनिट में नर्व स्टेमलाई होता है नर्व फाइबर आती है और वो सिंगल नर्व एंडिंग हर इंडिविजुअल यूनिट मल्टी यूनिट स्मूथ मसल फाइबर को सप्लाई करती ठीक है थीके? एग्जाम्पल the जो हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं अच्छा इसी के साथ ये दो टाइप डिस्कस करने के साथ हम डिस्कस कर लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्मूद मसल्स अब स्ट्रक्चर ऑफ स्मूद मसल्स क्या है so this is this. अच्छा स्मूद मसल के स्ट्रक्चर में हम कैलिटल मसल का अगर स्ट्रक्चर याद होगा तो फिर स्मूद मसल का स्ट्रक्चर हम ज्यादा आसानी से समझ आ जाएगा अब स्केलेटल मसल में क्या होता था स्केलेटल मसल में ये होता था कि लेट मी शो यू द डायग्राम ऑफ स्केलेटल मसल स्ट्रक्चर जो हमने पढ़ी थी ओके स्केलेटल मसल्स में कुछ इस तरह होता था कि ये हमारे पास मायोसिन फिलामेंट है और ये हमारे पास एक्टिन फिलामेंट है ठीक हो गया और इसके साइड में यहाँ पे जी डिस्क होती थी ठीक है जी डिस्क के साथ ये सपोर्ट हुए होते थे साइड से एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स अच्छा, अच्छा इसमें क्या होता है अब इसमें बेसिकली द मेन डिफरेंस इज कि इसमें साइड नहीं है नाउ दिस इज वॉट इट्स लाइक जस्ट फोकस ऑन दिस अब इसमें क्या है कि दिस ऑरेंज वन इज द मायोसिन फिलामेंट और ये जो ब्लैक फाइबर्स आपको नजर आ रहे हैं दीज आर दी एक्टिन फिलामेंट्स ठीक है सेम इसमें भी मायोसिन फिलामेंट और एक्टिन फिलामेंट एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं ठीक है और इनमें आपस में, में कॉन्ट्रैक्शन होगी ये एक्टिन एक्टिन और मायोसिन की आपस में अटैचमेंट पे कॉन्ट्रैक्शन होगी ठीक है जबकि यहां पे स्केल्टल मसल में क्या होता है कि एक्टिन फिलामेंट्स पीछे जाते हैं और यहां पे एक जी डिस्क होती है यहां पे मगर इसमें जी डिस्क की बजाय यहां पे है डेंस बॉडीज दीज आर दी डेंस बॉडीज ठीक है अब तो इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का हो गया अब ये अगर आप देखें तो ये एक मसल फाइबर है अब इसमें ये सारी डेंस बॉडी और ये डेंस बॉडी से एक्टिन फिलाेंट्स निकल रहे हैं और यहाँ से इस डेंस बॉडी से एक्टिन फिलाेंट निकल रहे हैं और ये भी मायोसिन फिल्मेंट पड़ा हुआ ठीक है तो एक तो डेंस बॉडी का फंक्शन हो गया कि ये एक्टिन फिलाेंट्स को सपोर्ट करते हैं इन प्लेस ऑफ जी डिस्क ठीक है दूसरा आपने गौर क्या करना है जो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है वो ये है कि दो फाइबर्स की डेंस बॉडीज आपस में ये देखो टच कर रही हैं ठीक है तो ये क्या होता है कि डेंस बॉडीज जब आपस में टच करती हैं दूसरे फाइबर की तो इनके बीच में एक यहाँ पे एक गैप जंक्शन होता है इन दोनों का और ये जो गैप जंक्शन है ये गैप जंक्शन इस सारे एक मसल फाइबर की दूसरे मसल फाइबर में एक्शन पोटेंशियल और आयोनिक ग्रेडिंग चेंज वो ट्रांसफर कर देता है ठीक है यानी कि अगर एक्शन पोटेंशियल इसमें आएगा तो वो यहाँ से ट्रेवल करके और वो आयोनिक चेंज जो इसके अंदर आई है वो आयोनिक चेंज आगे भी ट्रांसफ़र कर जाएगी Through gap junctions which are present in two consecutive dense bodies. ठीक हो गया अच्छा और एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट इसके अंदर ये है इसकी कॉन्ट्रेक्शन के बारे में वो ऐसे है कि कंट्रेक्शन इज सेम यहां पे मायोसिन हेड्स होते हैं जो कि जाके कनेक्ट हुए होते हैं इस तरह एक्टिन के साथ और ये अच्छा अब इस तरफ वाले जो हेड हैं है, उनकी डायरेक्शन ये होगी और इस तरफ की डायरेक्शन ऐसे नहीं होगी बल्कि ऐसे होगी ठीक है एंड द सेम इज दिस एंड द सेम इज दिस ठीक है और जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो सिमिलरली ये एक्टिन फिलामेंट यहां से जैसे ये यूं कॉन्ट्रैक्ट करेंगे मायोसेन uh, जो क्रॉस ब्रिजेस हैं तो ऊपर एक्टिन ऐसे स्लाइड कर जाएगा सेम स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल की तरफ मगर इसमें जब कॉन्ट्रेक्शन होती है, होती है तो वो एक्ट एज कंपेयर टू द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द स्केलेटल मसल इसमें जो इसकी लेंथ है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है एज़ कंपेयर टू स्केलेटल मसल्स ठीक है